हेलो दोस्तों, नमस्कार। पहले आपको दिखाएंगे हम आपके मनपसंद वीडियो जब प्रोजेक्ट कैसे बनाया जाए। तो सबसे पहले इस फॉर्म को लेना पड़ता है और इस पे डिजाइन करने पड़ते हैं, ऐसे ऐसे लाइट फिटिंग करने के जैसे आसान तरीके हैं। और यहाँ पे वायर को सेट करना पड़ता है, जैसे आपको पता ही होगा लाइट का काम कैसे करते हैं, तो बताते हैं। चाहिए गेयर बॉक्स, सबसे पहले गेयर बॉक्स होना चाहिए और उस पर कितने स्विच कितने सॉकेट लगाने चाहिए। तो अलग अलग स्विच सबसे पहले ऐसे, जैसे आपको फैन लगाना है तो आपको एक डीसी मोटर लगानी पड़ती है, और उसके बाद और ये वो मोबाइल चार्जर का वो बॉक्स लगाना पड़ता है, चार्जर लगाना पड़ता है, उससे डीसी कनेक्ट करंट देता है। मोबाइल बॉक्स को अंदर रखा है, यहाँ अंदर रखा है, तो आप वीडियो देखते रहिए। और ऐसे बनता है प्रोजेक्ट। इस पर बच्चों ने ये फैन भी लगा दिया है और ये लाइट का स्विच भी लगा है, और ये हम इसी भी देखिए इसी भी ऐसे फिट करते हैं, यहाँ से कनेक्ट करते हैं गेम बॉक्स। और उसके बाद यहाँ ये भाई जी, और देख रही है बच्चों लोगों ने यहाँ प्रोजेक्ट बना दिया। सबसे पहले यहाँ इनको फैन लगा रखा है, और देखिए इसके बाद हमने ऐसा डिज़ाइन बना लिया है और आपको दिखाते हैं कैसे वायरिंग करते हैं फिर से। सबसे पहले ये गेम बॉक्स लगाते हैं, ऐसे उसे भी जोड़ देते हैं और धीरे धीरे सबको इंटरकॉम कर देते हैं। ये जैसे ये फैन लगा हुआ और मोटर भी चल रही है, और जैसे ये देखो ये स्विच लाइट जलाते हैं ऐसे होल्डर 1 3, और ऐसे बंद कर दिया। अब दूसरा दिखाएंगे हम, दूसरा जलाएंगे, ये भी चल रहा है, और ये दिखाएंगे बंद करना, ये बंद हो, और ये देखो ये फिर ये तीसरा भी चल गया है, स्विच ऑफ कर दे तो ये बंद हो गया। और उसके बाद ये जलाएंगे हम, तो बटन खोलो स्विच, और ये भी चल रहा है। देखो कितना प्यारा मॉडल बना रखा है, आपको भी बनाना है जैसे। और ये देखो गाड़ी की पार्किंग भी बना सकते हैं आप ऐसे ऐसे। देखिए ये इंडिया गेट की तरह लग रहा है आपको, अच्छा क्या डिजाइनदार बना रखा है ये देखो। इसको बोलते हैं प्रोजेक्ट, और ये यहाँ पीवीसी वायर हाउस वायरिंग कर की लगी है, देखिए लेटेस्ट। और जैसे आपको बना दिया जाता है, और ये देखो कितना प्यारा मॉडल बन गया है इसकी वायरिंग का। इसका देखो ये हाउस बना रखा है जो यहाँ इसके पार्क में, तो क्या अच्छा मॉडल बना रखा है। प्रोजेक्ट बनाना हो तो इसको देखिए और सीख, बच्चों ने कैसा बना रखा है, और ये देखो शानदार मॉडल बना रखा है, हाउस वायरिंग की रखी है, क्या डिजाइनिंग बना रखा है। और ये गेम बॉक्स देखो, और MCB लगी है तो, और ये सोफा सेट में है इसके साथ, और ये देखिए ये फैन भी चल रहा है यहाँ पे, अच्छा खासा देखो इसको कितना मज़ेदार बना रखा है प्रोजेक्ट। तो आपको भी बनाना होगा तो ऐसे बनाए कभी, इंडिया गेट का क्या शानदार नमूना। देखिए देखिए लाइट भी चल रही है यहाँ तो सारी, ये देखिए ये देखो लाइटिंग की वो फिटिंग की, और उसके बाद हमने ये प्रोजेक्ट तैयार किया, अभी मैं डेमो बना के। हाँ काफी बढ़िया, देखना पड़ेगा, डायरेक्ट MCB जोड़ी हुई है इसमें। और ये देखिए क्या है ये, इसको क्या बोलते हैं, जैसे हम ऑन ऑफ कर सकते हैं, होल्डर बोलते हैं, लाइट लगी, हमारा हाउस है, चल चल वहां जा, वहां करिए अपना हाउस भाई। ये मॉडल कैसे बनाया तुमने सबसे पहले, क्या क्या? ये सबसे पहले हमने इसका डेमो का कागज पे वो बनाया, उसके हमने उस पर ना छाप के, और उसके बाद हमने उस पर ये कौन सी लाइन फिटिंग की है आपने? ये हाउस वायरिंग है। हाउस वायरिंग कैसे की है, अंडरग्राउंड है या ओपन है? ये अंडरग्राउंड हाउस वायरिंग है। अच्छा, इसमें हमने पाइप के द्वारा ये होल्डर, ये जैसे होल्डर डाल गए नीचे, ये नीचे से डाल गए, इसके नीचे से पाइप हमने यहाँ से कन्वर्ट करके, यहाँ से कन्वर्ट करके इसके वायर कहाँ से डाले? यहाँ पे जंक्शन बॉक्स लगा रखा है, यहाँ वायर कहाँ से डाली है? यहाँ से जंक्शन बॉक्स है, जंक्शन बॉक्स यहाँ पे होल्डर कनेक्ट है, उसके बाद ये कनेक्ट है, उसके बाद ये कनेक्ट है, यहाँ बीच में लगा, ठीक है।
और इसमें क्या क्या किया तुमने? ये फैन चलता है, ये फैन चलता है, ये इस फैन को हमने अभी चला के दिखाते हैं, तो चलाइए भाजी, ये पंखा चला के दिखाइए थोड़ा भाजी, एमसी भी चला के दिखानी है आपको। हाँ ये लीजिए सर, पहले एमसी भी ऑन की, उसके बाद हमारी सप्लाई गेन बॉक्स आई। हाँ सप्लाई में गेन बॉक्स आने के बाद ये बर्फ दिला दे पंखे लेट, और ये फैन चला दो, ये फैन ये लीजिए सर, फैन चल गए, ये कन्वर्टर, ये हमने और इसका कन्वर्टर करके 1.5 वोल्टेज में कन्वर्ट किया, ये लाइट भी चल रही है और फैन भी चल रहा है, देखिए बंद करिए इस फोन फैन का, और ये फैन ही बंद हो गए। तो ये होता है घरेलू इलेक्ट्रॉनिक वायरिंग फिटिंग, ये हमारा सोफा, इससे हमारा पैसा बहुत ही अच्छा तरह से लग गया। सबसे पहले बटन अब जलाइए सर, ये हमारा गेन बॉक्स है। हाँ एमसीबी से बाहर इसमें सप्लाई आई है, उसके बाद हम कहीं कहाँ है, ये एमसीबी आपकी ऑन ऑफ होती है जी सर, ये देखिए सर। हाँ तो उसके बाद फ्रिज, उसके बाद हमने इसमें तीन स्विच, चार स्विच, एक सॉकेट लगा रखा है, स्विच का बटन ये है आपका, सॉकेट का बटन ये है, उसके बाद ये बटन, ये पंखे का बटन हो गया, ये पंखा आपका होल्डर नंबर एक, हाँ होल्डर नंबर दो, हाँ होल्डर नंबर तीन, तीनों जल गई, ठीक है। ये आपका लिविंग रूम हो गया, ये आपका डाइनिंग रूम हो गया, वो आपका हॉल हो गया। हाँ ये क्या बना रखा है, ये मंदिर, हमारा गेट है, गेट है, अच्छा ये गेट है, गेट। हाँ इस पे भी हम आपको वायरिंग करके दिखाएंगे, ठीक है, कुछ टाइम के बाद, कब तक हो जाएगा, अभी हो जाएगा, मैन्युफैक्चरिंग चल काम चल रहा है, ठीक है। ये फैन भी चल रहा है और अच्छा चल रहा है यार, जैसे इसके एमसीबी बंद कर दो तो सारे बंद हो जाएंगे ना। ये एमसीबी का प्रयोग तब किया जाता है जब कोई शॉर्ट सर्किट हो जाए या वोल्टेज ज्यादा आया, तो ये एमसीबी अपने आप ही बंद हो जाएगा, ट्रिप हो गई, सही पकड़ी है। तो देखिए इन पांच बंदों ने इसको बनाया प्रोजेक्ट को, और ये अच्छा सा, हाँ तो देखिए इन्होंने सबसे अच्छा प्रोजेक्ट बना रखा है, ये देखिए। हाँ तो भाई जी आपने कब से सीखा ये? दो महीने में इतना बना दे रहे, ये तो बस एक दो दिन लगे इसे बनाने में, दो दिन हाँ। बहुत दिन में अच्छा बनाया आपने, बहुत अच्छा यार, गजब।